बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। आज मैं बनाऊंगी ब्रेड हलवा। ब्रेड हलवे की रेसिपी देखने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। ब्रेड हलवा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 5 अदद स्लाइस, 1 गिलास दूध, 1/2 कप चीनी, 2 अदद अंडे, 1 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़े से बादाम और 2 ड्रॉप लेंगे आप केवड़े के। इसमें डालेंगे हम चीनी। चीनी भी आप लोग ज़रूरत के मुताबिक ही डाल सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। इधर चीनी को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें ना, अभी तक मिक्स नहीं हुई है, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है चीनी को। इसके बाद हम डालेंगे इलायची पाउडर। फिर हम डालेंगे अंडे। अंडे आपने एक एक करके डालने, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है, आपको पता है ना, अक्सर अंडे ख़राब निकल आते हैं। एक एक करके डालेंगे हम। ये देखिए, इसको भी हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। यकीनन ये आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग ख़ुद भी बना के खाएं, अपने बच्चों को भी बना के दें। इसके अंदर अब डालेंगे हम छोटे छोटे ब्रेड के स्लाइसेस। ये देख सकते हैं आप, हमने इसे चॉप इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर बारीक हो जाने थे। आप लोग अगर चाहें तो ब्रेड के किनारे काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। पैन गरम हो गया है, इसमें डालेंगे हम ऑयल। आप लोग घी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि ऑयल ही इस्तेमाल करें, लेकिन मैं तो ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। इसको हम गरम करेंगे ऑयल को, उसके बाद फिर हम डालेंगे बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़े का बनता है ये हलवा, आप देख सकते हैं। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके बताना है कि हलवा आपको ये कैसा लगा है। ब्रेड का हर एक अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैंने अपने तरीके से बनाया है ये। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, और मुझे कमेंट ज़रूर करना है आपने। इधर मैं केवड़ा डाल रही हूँ, तकरीबन 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप आप लोग डाल सकते हैं। केवड़े की खुशबू आपको पता है बहुत अच्छी है। आप लोग भी हलवे में, ख़ास तौर पे ब्रेड के हलवे में ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छे से इसे करते हैं मिक्स। आप देख सकते हैं हलवे को हमने अच्छे तरीके से फ्राई किया है, इसकी अच्छी सी भुनाई की है, हलवे ने ऑयल छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं आप, इसका मतलब ये है कि हलवा हमारा इधर तैयार हो गया है। इसको हम करेंगे अब डिश आउट। आप देखें कितनी अच्छी लुक आई है, लाइट गोल्डन ब्राउन आया है हमारे हलवे का। इसे हम करते हैं डिश आउट। हलवे को हमने डिश आउट कर लिया है, बादाम ऊपर ऐड कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
तो मैं आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।